आज ही के दिन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत में आपातकाल लगाया गया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि के लिए आपातकाल लागू रहा। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिशों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल की घोषणा की। आज के बच्चे भी इनसे परिचित हो गए हैं। ये बात और है कि भले ही उन्हें इस इमरजेंसी या इमरजेंसी के बारे में पता ही ना हो, उन्हें ये बताना भी जरूरी है कि आज के दौर में लगभग हर राजनीतिक मंच पर आपातकाल या आपातकाल की इतनी चर्चा क्यों की जाती है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय क्यों कहा जाता है। तो कब था आपातकाल? ठीक 47 साल पहले आज ही के दिन 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी। यह आपातकाल पूरे देश में 21 महीने के लिए लगाया गया था। उस समय कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। मीडिया रिपोर्ट्स और इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। आजादी के बाद 25 जून 1975 को देश में लागू हुए आपातकाल या इंदिरा गांधी के आपातकाल को विवादास्पद और अलोकतांत्रिक करार दिया गया। इसके कार्यान्वयन की घोषणा के बाद जयप्रकाश नारायण या जेपी, जो राजनीतिक रूप से इंदिरा गांधी के विरोधी थे और आपातकाल का विरोध करते थे, इसे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का उन्होंने काला अध्याय बताया। इतिहासकारों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1967 से 1971 यानी कि 1971 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद में बहुमत की मदद से भारत में सत्ता और राजनीति का ध्रुवीकरण किया। ऐसा कहा जाता है कि सत्ता प्रधानमंत्री सचिवालय से ही प्रशासित होती थी और सरकार की सारी शक्तियां एक ही सचिवालय के भीतर केंद्रित थी। यह भी कहा जाता है कि उस समय सत्ता की कुंजी परमेश्वर नारायण हक्सर या पीएन हक्सर इंदिरा गांधी के प्रमुख सरदार और प्रमुख सचिव के हाथों में थी, क्योंकि इंदिरा गांधी पीएन हक्सर पर सबसे ज्यादा निर्भर। इसके साथ ही इंदिरा गांधी ने भारत की राजनीति और सत्ता पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कांग्रेस को ही दो भागों में बांट दिया। 1971 के आम चुनाव में गरीब हटाओ के नारे पर इंदिरा गांधी को प्रत्याशित जीत मिली थी। इसके 4 साल बाद साल 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 1971 के आम चुनाव में धांधली का आरोप लगाने वाले एक फैसले के बाद भारतीय राजनीति में गर्मा गर्मी थी। उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए किसी भी पद पर रहने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा दिया गया। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने प्रतिद्वंदी राज नारायण को हराया था। चुनाव परिणाम घोषित होने के 4 साल बाद राज नारायण ने इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। अपनी याचिका में उन्होंने तर्क दिया कि इंदिरा गांधी ने चुनावों में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, निर्धारित सीमा से ज्यादा खर्च किया और मतदाताओं को लुभाने के लिए अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया। अदालत ने राज नारायण के इन आरोपों को बरकरार रखा और इंदिरा गांधी के खिलाफ अपना फैसला सुनाया, जिसमें उन्हें 6 साल तक किसी भी पद पर रहने से रोक दिया गया था। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में चर्चा है कि जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की तो हिंदी समाचार पत्र जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर संपादक का कॉलम खाली छोड़ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अखबार के इस विरोध के बाद इसके संपादक को जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही करीब 327 पत्रकारों को जबरन जेल में भी डाला गया और करीब 3801 अखबारों को जब्त कर लिया गया था। इतना ही नहीं, 290 अखबारों के सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। टाइम मैगजीन और गार्जियन अखबार के साथ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को भी भारत से निष्कासित कर दिया गया। भारतीय प्रेस परिषद भी भंग कर दी गई। पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती जैसी समाचार एजेंसियों को एक समाचार एजेंसी बनाने के लिए विलय कर दिया गया था। सरकार ने सेंसरशिप कमेटी का गठन किया। उस दौरान जब तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री आई के गुजराल ने संजय गांधी के आदेश को मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया गया था। 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा के साथ पहली बार प्रेस में सेंसरशिप लगाई गई थी। देश में नसबंदी कार्यक्रम इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के आदेश पर शुरू किया गया था।
नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले राजनेताओं को जेल में डाला जाने लगा। ऐसे में जयप्रकाश नारायण ने सरकार की नीतियों और आपातकाल के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी ने किया। इस आंदोलन के दौरान अपनी भाषणों में जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में काला काल या एक काला अध्याय कहा। हालांकि 21 महीने के बाद 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटा लिया गया था। अगर आपातकाल की बात हो रही है और उसमें जयप्रकाश नारायण या जेपी का नाम ना हो तो वह बेमानी होगी। जयप्रकाश नारायण उन लोगों में एक प्रमुख चेहरा थे जिन्होंने इंदिरा गांधी या बल्कि पूरे गांधी परिवार और कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्हें जेपी आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। लालू प्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, रामविलास पासवान, शरद यादव, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कई नेता और छात्र नेता भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में उभरे। गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राजनारायण, लाल कृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह, मुरारजी देसाई, नानाजी देशमुख, एस जी देवगौड़ा, वी एम तारकुंडे, लालू प्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, रामविलास पासवान, शरद यादव, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आदि को जेल में डाल दिया था।